मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं से सलाहकार समिति के सामने भी बात रख दिया कि 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही है चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी और हम लोगों के यहां तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। अच्छा। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता।